अच्छा फॉलोअर्स मैं आप लोगों को ये कह रहा था, अभी आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैं ये कह रहा था कि देखो गोल्डन मैन के साथ काफ़ी तशद्दुद हुई है, इसके बीच लोग भी आते थे, इसको कभी हरास करते थे, इधर टैलेंट की कमी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, हर टैलेंट की, ये जो गोल्डन मैन कर रहा है ये कोई भी नहीं कर सकता था, ठीक है। अब वो गोल्डन मैन जो है सामने खड़ा है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो वापस आ गए, एंड मैं उसे पूछूँगा कि क्यों, क्या हुआ था जिससे आप चले गए थे। तो अब वो आप लोग देख सकते कि ही इज़ टेकिंग पिक्चर्स विद रैंडम पीपल, एंड अभी बहुत लोगों ने नेट पे देख लिया था, एंड लेकिन अब लोग इसको आके इज़्ज़त दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, नेट शुक्र है इस पाकिस्तान में नेट है, नेट की काफ़ी इज़्ज़त है, लोग इससे सही हो रहे हैं। सो पॉलर्स आए तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? सो दिस इज़ द गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद, कैसे हो भाई? ठीक हो? अच्छा मुझे बताया कि आप क्यों ऐसे खफा हो गए थे और आप चले गए थे, और आप, मैं आपके पीछे आया था दूसरे दिन लेकिन आप नहीं थे, तो वो क्या हुआ था? हर चीज़ सेट हो गई है, अब सारा कुछ ओके हो गया है, अब आपको कोई तंग करता है? नहीं नहीं, आईजी साहब ने जब से एक्शन लिया इसके बाद तो अच्छा लिया है एक्शन, चलो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको कुछ और कहना है मतलब लोगों को? इस्लामाबाद के लोगों का, खास तौर पे इस्लामाबाद के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अभी आए हैं सारे, मेरे कम से कम मैं कहता हूँ 500-600 से ऊपर बंदा मेरे पास अब आया है ना, हमने इतनी लोगों ने स्टोरियाँ लगाई हैं ना, अब आपके साथ पता है कितने लोग थे, लोग कह रहे थे कि क्यों हुआ है, और लोग काफ़ी गुस्सा थे, मैंने खुद देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ है, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि इधर टैलेंट की कम इज़्ज़त नहीं है, तो ये बात सच है, लेकिन अब तो इज़्ज़त कर रहे हैं ना? हाँ अभी देखे गाड़ियाँ अभी सामने ही खड़े हैं, गाड़ियाँ रोक रोक के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि गाड़ियाँ रोक रोक के मेरे को अभी आते हैं मिलते हैं, शुक्रिया भाई जान। सही है, यह जो आप काम कर रहे हैं ना, आपस की बात है, हर कोई नहीं कर सकता, हाँ जी, लेकिन यह आपके लिए मैं बहुत इज्जत देता हूँ कि आपने ये काम शुरू किया, वरना पाकिस्तान में था भी नहीं, आप पहले गोल्डन मैन हो पाकिस्तान के जो कर रहे हो, हाँ जी, तो आप अभी सेटिस्फाई हो, अभी आपको कोई तंग नहीं करता ना? नहीं, अभी कोई नहीं करता। सो बॉलर्स आप लोग देख लें, इनको अभी कोई नहीं तंग करता, आईजी ऑफ इस्लामाबाद ने भी एक्शन ले लिया, आई एम रियली हैप्पी विद दैट कि इनके साथ किसी ने एक्शन ले लिया है, एंड अभी गाड़ियां भी रुक ली है, दे आर गिविंग मनी टू द गाय, अच्छा सो इट्स अ गुड थिंग। तो देखो अभी लोग भी कह रहे हैं काफ़ी, Okay. ये देखो अभी अभी किसी ने कहा कि मायूस नहीं है ना, ऐसे देखा अभी खुश है ना, क्योंकि आप यूनाइट में इतनी पावर है ना, आपको पता नहीं है, तो अभी ये मेरी तरफ से ये पकड़ लो, वेट इसको मैं गिव सम, इफ आई हैव सम गुड मनी आई विल गिव इट टू हिम, बट लेट्स सी, या ये पकड़ लो, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है, और आज़ाद रहो, और इसी तरह अगर कोई मसला हो नेट है हम आपके साथ है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, okay. और मुझे बड़ी खुशी हो आप आ गए, अब आपके हमेशा रहोगे इधर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई तंग नहीं करेगा, बहुत शुक्रिया, और आपको मैं गले मिलना चाहता हूँ, आप ये काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो ये देख रहे हो पॉलर्स, काफ़ी मज़ा आया है, और ये वापस आ गए, तो आई एम हैप्पी, मैं स्पेशली इधर आया हूँ, मैंने कहा इनके साथ वीडियो बनानी है, एंड लेट्स आस्क अबाउट कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या मसले हुए हैं, मसले सारे ख़त्म हो गए, थैंक यू तो आईजी ऑफ इस्लामाबाद इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो, आपने एक्शन लिया है, और मेरे दोस्त भी गया था जो एसन है, ही टुक एक्शन, ही टॉक्ड अबाउट टू द पुलिस सर ये क्या हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, एंड उसने कहा दिया कि ये एक्शन नहीं होगा दोबारा, तो आई एम रियली हैप्पी, गोल्डन मैन पीस आउट। अच्छा पॉलिस मेरे सामने कोई 20 गाड़ियाँ आई हैं, ठीक है 20 गाड़ियाँ आई हैं, और इसको आके इज़्ज़त कह रहे मायूस नहीं होना, अभी एक औरत आई है उसने कहा मायूस नहीं होना, अभी बहुत लोग आ रहे हैं, इसको पैसे दे रहे हैं, एंड दे आर रिस्पेक्टिंग हिम, सो आई एम हैप्पी कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी होनी चाहिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं लोग इसके पास ऐसे आ रहे हैं जैसे इज़ अ फेमस पर्सन। Hey guys, what's up? दोनों तरफ से मेरे पास कैमरे आ गए हैं यार, कैसा आ गई है, एंड आई होप कि ये आई डोंट नो ये कैसे लग रहा है, बट जो भी है बेस्ट ऑफ लक फॉर मी, बट अभी भी मुझे लग रहा है ना कि, और वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान इज़ ओवर, ऑलमोस्ट ओवर, 5 रोज़े रह गए हैं या 4 रोज़े रह गए, मुझे क्या पता, मैंने सारे रोज़े रखे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है पॉलर्स कि मेरा पॉडकास्ट आ रहा है, और एक पॉडकास्ट बनाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, अभी साइड पे और भी पड़ी हुई हैं, 3 मेमोरी कार्ड्स यानी ये चीज़ें, तो काफ़ी मेहनत है, लेकिन पॉलर्स मेरे आप लोग बाल देख रहे हो कितने बड़े हो गए हैं, अब बाल बड़े होने का नुकसान मैं आपको बताऊँ क्या है, बाल गिरते हैं, और जब बाल गिरते हैं तो आप टिंड होते हैं, तो टिंड होने से बचने से पहले आप अगर बचना चाहते हैं एक काम करें भाई, बाल ही काट दें, तो इसी तरह मैं करूँगा, अब बाल काटने जाएंगे और चांदरा से पहले ही बाल बनाएंगे और बाल काट देंगे और खूबसूरत सा लुक बनाएंगे, सो
एक तो ये प्लान हो जाएगा, दूसरा प्लान ये है कि मुझे ईदी मिलेगी, उसको उड़ाएंगे, उसको उड़ाने के बाद नॉर्मल डेज शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल डेज का मुताबिक ये है कि यूनिट शुरू हो जाएंगे, पूरा महीने का ब्रेक लिया था मैंने। और फिर टीचर आएगी कि बच्चे हाँ बताओ क्या पढ़ा है तुमने, तो मैं कहूँगा मैंने क्या पढ़ा है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, मुझे कुछ आता है। तो बात यह है कि पॉलर्स यार कुछ टाइम है याद है कि इससे मैं मार पीटती थी, अब जो नई जनरेशन मुझे देख रही कि मार पीटती थी, वो भी स्कूल में, वो भी कॉलेज में, भाई हमें ऐसे ऐसे मार पीटी है कि आप लोग क्या याद रखो, क्या यूज़ टू स्टडी इन APS, और APS जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पिंडी, और उधर क्या हुआ था कि आई गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, रूट्स एक्सपेल्ड हो गया तो मेरे जो वालिद है और मेरी फैमिली जो है उन्होंने मुझे सज़ा देने के लिए APS भेज दिया। तो APS भेजने के बाद क्या हुआ आपको पता है, पहले दिन तो बड़े अच्छे होते हैं, दूसरे दिन लेकिन मेरे सामने लोगों को बहुत मारे पीटती थी, ऐसे ऐसे कमरे में बंद करके ना, ये वो क्या होता है बेल्ट, एक लेदर का और एक होता है ये मेटल वाला, इससे पकड़ पकड़ के मारते थे, पूरा सख्त लौंडा स्कूल था। फिर इसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैन आई सेड टू हेल विद दिस स्कूल, क्योंकि क्या है सिर्फ लौंडा है और मार कुटाई है, तो इस तरह से स्कूल नहीं बढ़ता। लेकिन पॉलर्स स्टोरियाँ साइड पे, मुझे बताना कि शुड आई अपलोड, हाँ ब्रॉडकास्ट आएगा। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर रहे हैं व्लॉग बनाना। व्लॉग 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 क्यों नहीं होता ये मुझसे व्लॉग, लेकिन करना है व्लॉग, क्योंकि करना है व्लॉग, क्योंकि शौक है मुझे व्लॉग। व्लॉग 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 क्यों नहीं होता है मुझसे व्लॉग, कि इस रमज़ान में काफ़ी व्लॉग्स नहीं आए क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं कंटेंट बनाने को, और बनाने को कुछ था नहीं तो मैंने क्या बनाना था, अचार की उंगली या आलू के पकोड़े, कुछ भी नहीं बनाना था। और आप लोग कहेंगे कि ये पॉलर को क्या हो गया, बंदा पागल तो नहीं हो गया, लेकिन हम तो व्लॉगर ही नहीं है, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी हमें व्लॉगिंग नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं आती, हमें हर चीज़ भी नहीं आती, हम ज़िंदगी में आए क्यों हैं, हम इस दुनिया में पैदा ही क्यों हैं, जब हमें हमारा डेस्टिनेशन ही नहीं पता कि हमने जाना किधर है। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं ना कि मैं पॉलर को सब्सक्राइब करो हमेशा कामयाब रहोगे, तो सब्सक्राइब करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।